तो आज तक हमने जितने भी सुपर हीरोज को देखा है उन्हें उनके क्रिएटर्स ने अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट किया है, लेकिन उनमें कुछ सुपर हीरोज या कुछ सुपर विलन्स ऐसे भी हैं जिन्हें किसी दूसरे कैरेक्टर से इंस्पायर होकर बनाया गया है, और कुछ तो वो है जिन्हें सीधा सीधा कॉपी कर लिया गया है। और यही सेम स्टोरी मार्वल और डीसी की भी है, क्योंकि इन्होंने भी अपने बहुत से कैरेक्टर्स को एक दूसरे के कैरेक्टर से कॉपी किया है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम उन 10 कैरेक्टर्स के बारे में जानने वाले हैं जो कि मार्वल ने डीसी से कॉपी किए हैं। तो ये वीडियो काफी ऑसम होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। वैसे इन सब से हटकर अगर हम बात करें थॉर की, तो थॉर को हमने अब तक बहुत सारे विलन्स का सामना करते हुए देखा है, जिनमें से कुछ विलन्स ऐसे भी थे जो कि थॉर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तो अगर ऐसे में अगर आप थॉर के विलन्स को लेकर इंटरेस्टेड हैं और थॉर के 10 सबसे पावरफुल विलन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें इस बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस टॉपिक पर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 क्विक सिल्वर। तो इस लिस्ट का पहला कैरेक्टर है क्विक सिल्वर, जो कि कॉपी है डीसी के फ्लैश की। फ्लैश डीसी कॉमिक्स का स्पीडस्टर है, जो कि सबसे पहले अपीयर हुआ था साल 1940 में फ्लैश कॉमिक्स नंबर 1 में। और फिर जब फ्लैश की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई तब मार्वल ने अपने लिए भी एक स्पीडस्टर को क्रिएट करने के बारे में सोचा, जिसके बाद साल 1964 में मार्वल ने क्विक सिल्वर को लॉन्च किया। क्विक सिल्वर मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक म्यूटेंट है जिसके अंदर बहुत स्पीड से मूव करने की पावर्स है, लेकिन एमसीयू के अंदर मार्वल के पास म्यूटेंट्स के राइट ना होने की वजह से मार्वल ने क्विक सिल्वर को एक म्यूटेंट नहीं बल्कि एक ह्यूमन बताया, जिसे उसकी पावर्स एक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के बाद मिलती है। क्विक सिल्वर बेशक बहुत फास्ट है, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड इतनी नहीं है कि वो स्पीड के मामले में फ्लैश को बीट कर सके, क्योंकि फ्लैश लिटरली इतना ज्यादा फास्ट है कि वो अपनी टॉप स्पीड में लाइट की स्पीड को भी ब्रेक कर सकता है। नंबर 9 हॉकाई। हॉकाई एमसीयू के अंदर एवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर है, और ये कैरेक्टर एवेंजर्स के लिए इतना लकी रहा है कि जब जब इसने एवेंजर्स का साथ दिया है तब तब एवेंजर्स की जीत हुई है। द एवेंजर्स में ये एवेंजर्स के साथ लड़ा और एवेंजर्स चितोरी आर्मी से जीत गए। एज ऑफ अल्ट्रॉन में एवेंजर्स अल्ट्रॉन से जीते। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में इसने कैप्टन का साथ दिया और टीम कैप टीम टोनी पर भारी पड़ गई। इन्फिनिटी वॉर में हॉकाई हाउस अरेस्ट में था, जिस वजह से थैनोस अर्थ पर आया और सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर आधे यूनिवर्स को मिटाकर चला गया। लेकिन जब एवेंजर्स एंड गेम में हॉकाई ने वापसी की तब फिर से जीत एवेंजर्स की हुई। खैर ये तो मजाक की बात है, मुद्दे की बात तो ये है कि मार्वल का ये पॉपुलर कैरेक्टर हॉकाई असल में डीसी के ग्रीन एरो की कॉपी है। ग्रीन एरो सबसे पहले दिखा था साल 1941 में, और फिर इसके 23 साल बाद हॉकाई अपीयर हुआ साल 1964 में। ग्रीन एरो और हॉकाई दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। ये दोनों ही नॉर्मल ह्यूमंस हैं जिनके पास बो और एरो को यूज करने का स्किल है, और ये दोनों ही ह्यूमंस होते हुए भी सुपर पावर्स वाले सुपर हीरोज की टीम का हिस्सा बनते हैं। नंबर 8 विजन। विजन एक ह्यूमनॉइड है जिसे क्रिएट करवाया था अल्ट्रॉन ने ताकि वो उसे खुद के लिए यूज कर सके, मगर मार्वल का ये ह्यूमनॉइड असल में कॉपी है डीसी के रेड टोर्नेडो की। ये दोनों ही कैरेक्टर्स लगभग एक दूसरे की कॉपी है। दोनों ही रोबोट्स हैं जिनके अंदर खुद की सोचने की पावर है, और जहां रेड टोर्नेडो जस्टिस लीग का साथ देता है वहीं विजन एवेंजर्स की टीम का हिस्सा बनता है। रेड टोर्नेडो सबसे पहले अपीयर हुआ था अगस्त 1968 में, और वहीं विजन का फर्स्ट अपीयरेंस इसके ठीक 2 महीने बाद अक्टूबर 1968 में हुआ था। नंबर 7 ब्लैक कैट। ब्लैक कैट सीधा सीधा इंस्पायर्ड है डीसी की कैट वुमन से, क्योंकि जहां कैट वुमन सबसे पहले अपीयर हुई थी साल 1940 में, वहीं ब्लैक कैट सबसे पहले अपीयर हुई थी इसके 39 साल बाद साल 1979 में। ब्लैक कैट और कैट वुमन दोनों ही बहुत सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। दोनों का नाम कैट के ऊपर बेस्ड है, दोनों ब्लैक कॉस्ट्यूम पहनती है, दोनों अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखती है, और जहां कैट वुमन यानी कि सेलिना काइल बैटमैन के साथ रिलेशनशिप में आती है, वहीं ब्लैक कैट स्पाइडरमैन की लव इंटरेस्ट बनती है और उसके साथ क्लोज कॉन्टेक्ट में आती है। नंबर 6 पावर प्रिंसेस। तो पावर प्रिंसेस मार्वल की वंडर वुमन है। वंडर वुमन सबसे पहले अपीयर हुई थी साल 1941 में, जिसके बाद वंडर वुमन इतनी पॉपुलर बन गई कि उसे डीसी कॉमिक्स के सबसे आइकॉनिक सुपर हीरोज में गिना जाने लगा, और इसीलिए इसके बाद मार्वल ने भी वंडर वुमन जैसी एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोचा और वंडर वुमन से इंस्पिरेशन लेकर पावर प्रिंसेस को लॉन्च कर दिया। पावर प्रिंसेस सबसे पहले अपीयर हुई साल 1982 में, यानी कि वंडर वुमन से 41 साल बाद। पावर प्रिंसेस यानी कि ज़ार्डा एक ग्रीक गॉडेस है, वंडर वुमन की तरह ही एक छुपे हुए आइलैंड पर पैदा हुई है। इन दोनों की पावर्स एक दूसरे से सिमिलर है, और वंडर वुमन की तरह ही पावर प्रिंसेस भी वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ चुकी है। नंबर 5 वुल्वरीन। तो मार्वल कॉमिक्स के सबसे पॉपुलर म्यूटेंट्स में से एक वुल्वरीन कॉपी है डीसी के टिम्बर वुल्फ की,
लेकिन जहाँ वुल्वरीन की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में है, वहीं डीसी के टिम्बर वुल्फ को कोई ढंग से जानता भी नहीं है। टिम्बर वुल्फ सबसे पहले दिखा था साल 1964 में और वुल्वरीन को लॉन्च किया गया इसके ठीक 10 साल बाद साल 1974 में। वुल्वरीन और टिम्बर वुल्फ दोनों ही कैरेक्टर्स एक जैसे दिखते हैं, दोनों ही एक्सपेरिमेंट का शिकार बने हैं और दोनों की पावर्स भी बिल्कुल एक जैसी है, यानी कि ये दोनों ही सुपर ह्यूमनली बहुत स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है, दोनों ही बहुत गुस्से में रहते हैं और इन दोनों की खास एबिलिटी इनका हीलिंग फैक्टर है। वुल्वरीन अब तक हमें कई मूवीज में दिख चुका है, लेकिन वहीं टिम्बर वुल्फ डीसी कॉमिक्स में कहां दबा हुआ है इस बारे में ज्यादा कोई जानता भी नहीं, और इसी वजह से टिम्बर वुल्फ के ओरिजिनल होते हुए भी उसकी पॉपुलैरिटी वुल्वरीन के सामने कुछ भी नहीं है। नंबर 4, मून नाइट। तो मून नाइट के बारे में शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मार्वल फैंस मून नाइट को मार्वल का बैटमैन बुलाते हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मून नाइट भी बैटमैन की तरह कॉस्ट्यूम पहनता है, अपनी आइडेंटिटी को प्राइवेट रखता है और अपने विलन से रात में उलझता है। लेकिन जहां बैटमैन के कॉस्ट्यूम का कलर ब्लैक है, वहीं मून नाइट के कॉस्ट्यूम का कलर व्हाइट है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि बैटमैन ये चाहता है कि जब अपने दुश्मनों के पास जाए या उनका पीछा करे तब उसके दुश्मन उसे देख ना पाए, पर वहीं मून नाइट व्हाइट कॉस्ट्यूम इसलिए पहनता है ताकि जब वो अपने दुश्मनों के पास जाए तो उसके दुश्मन उसे आता हुआ देख सके। बैटमैन सबसे पहले दिखा था साल 1939 में और वहीं मून नाइट अपीयर हुआ था साल 1975 में, यानी कि बैटमैन के दिखने के पूरे 36 साल बाद। इसीलिए इससे ये पता चलता है कि मून नाइट का कैरेक्टर डीसी के बैटमैन से इंस्पायर्ड है। नंबर 3, डेडपूल। तो डेडपूल मार्वल का सबसे क्रेजी और फनी कैरेक्टर है, और ये उन गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जो कि फोर्थ वॉल को ब्रेक करके हम ऑडियंस से बात कर सकता है। पर मार्वल का एंटी हीरो डेडपूल असल में डीसी के डेथस्ट्रोक की कॉपी है। डेथस्ट्रोक डीसी कॉमिक्स में अपीयर हुआ था साल 1980 में और डेडपूल को इंट्रोड्यूस किया गया था इसके ठीक 11 साल बाद साल 1991 में। डेथस्ट्रोक और डेडपूल में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे ये दोनों ही एंटी हीरो और मर्सिनरी है, दोनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया है, दोनों के पास हीलिंग फैक्टर एबिलिटी है, दोनों की कॉस्ट्यूम भी सेम है, और तो और दोनों का नाम भी बहुत सिमिलर है, क्योंकि जहां डेडपूल का नाम है वेड विल्सन, वहीं डेथस्ट्रोक का नाम है स्लेड विल्सन। पर अगर बात हो पागलपन की तो डेडपूल से ज्यादा पागल कोई भी नहीं है। नंबर 2, सेंट्री। तो साल 1938 में जब सुपरमैन पहली बार अपीयर हुआ था तब उसने सुपर हीरोज की डेफिनेशन ही बदल कर रख दी थी। सुपरमैन डीसी कॉमिक्स का पहला सुपर हीरो है जो कि अपने फर्स्ट अपीयरेंस से लेकर अब तक डीसी के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक बना हुआ है, और सुपरमैन की इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए मार्वल ने भी अपने लिए एक सुपरमैन जैसा कैरेक्टर बनाने की कोशिश की और साल 2000 में लॉन्च किया सेंट्री को। सेंट्री सुपरमैन से 62 साल बाद आया है, पर सेंट्री और सुपरमैन का कैरेक्टर एक दूसरे से सिमिलर ही है। जैसे सेंट्री के पास भी सुपरमैन जैसा सुपर स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है, ये भी सुपरमैन जैसे बहुत फास्ट है, ये भी फ्लाई कर सकता है, सुपरमैन जैसी ही केप पहनता है, और सेंट्री की कॉस्ट्यूम पर भी सुपरमैन की तरह ही बड़ा सा एस बना हुआ है। इसीलिए इन सारी बातों से यही पता लगता है कि सेंट्री सुपरमैन से इंस्पायर होकर बनाया गया है। नंबर 1, थैनोस। तो एवेंजर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा रह चुका थैनोस मार्वल का एक बहुत ही पॉपुलर विलन है, और एमसीयू के अंदर ये सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करके आधे यूनिवर्स को मिटा चुका है। पर मार्वल का थैनोस इंस्पायर्ड है डीसी के डार्क साइड से। डार्क साइड एक न्यू गॉड है जो कि एपोकलिप्स को रूल करता है, और डार्क साइड को पूरे डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बींग्स में से एक माना जाता है। डार्क साइड के पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और सुपर स्पीड जैसी सारी एबिलिटीज है, और इनके अलावा ये अपनी आंखों से ओमेगा बीम भी फायर कर सकता है। थैनोस और डार्क साइड पूरी तरह से एक जैसे नहीं है, पर इनके बीच काफी सिमिलैरिटीज हैं, और थैनोस के क्रिएटर जिन स्टालिन ने खुद भी इस बात को कन्फेस किया है कि उन्होंने थैनोस को डार्क साइड से इंस्पायर होकर क्रिएट किया है। तो यही मार्वल कॉमिक्स के वो 10 कैरेक्टर्स हैं जिन्हें मार्वल ने डीसी के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर बनाया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि अगर आप थॉर के 10 सबसे पावरफुल विलन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें उन कैरेक्टर्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए भी बोल सकते हैं जो कि डीसी ने मार्वल से कॉपी किए हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम ये वीडियो भी जरूर लाएंगे। और अगर आपको डीसी की वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो हमने टॉप 10 एंटी हीरोज ऑफ डीसी के ऊपर वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ब्लैक एडम वर्सेस शज़ाम वर्सेस थॉर, टॉप 10 कैरेक्टर्स विद लाइटनिंग पावर्स, हिस्ट्री ऑफ ब्लैक एडम, टॉप 10 गॉड्स एंड एंटिटीज इन थॉर 4, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एंटी हीरोज ऑफ एमसीयू और टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ थॉर जैसी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। मैं इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।